अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल सूप। चिकन वेजिटेबल सूप के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चिकन, बोन्स के साथ चाहिए था। बोन्स वाला मैंने चिकन लिया था, उसमें दो तीन लौंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें साबत, दो तीन जो लहसुन के डाल के और नमक डाल के मैंने इसको यखनी बना ली थी, और स्टार्च मैंने अलहदा कर दी और चिकन के रेशे बना दिए हैं। उसके अलावा हमें सब्जियों में चाहिए थोड़ी सी गाजर है, उसे स्क्वायर काटा है, जुकीनी चाहिए, थोड़ी सी बंद गोभी, और उसके अलावा स्वीट कॉर्नस हम लोग यूज़ करेंगे, बटर इन वेजिटेबल्स को बटर में कुक करना है, और उसके अलावा एंड पे हम लोग जब कॉर्नफ्लावर डालेंगे उसकी थिकनेस चेक करने के लिए, और आखिर में हम लोग अंडा यूज़ करेंगे, और सर्विंग के लिए लेमन जूस होगा। अभी मैं इन्हें कुक करने जा रही हूँ, तो ब्लैक पेपर और नमक हम लोग यूज़ करेंगे कुकिंग के दौरान ही। स्पाइसेस में बटर लिया, पैन गरम था ऑलरेडी, गाजर डाल के इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि गाजर नरम हो जाए। गाजर थोड़ी सी कुक होगी, अब इसमें ज़ुकीनी ऐड करेंगे कटी हुई, हाफ ज़ुकीनी मैंने ली है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की भी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसे कवर कर देंगे पकाते हुए। इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया सिवाय बटर के। इसको थोड़ी देर में कवर कर लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसे नरम करने के लिए, और साथ ही इसको कवर कर देना है। इसको अब थोड़ा पकने के लिए रखेंगे कि ज़ुकीनी और गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम दो तीन मिनट गुजर गए हैं, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पकानी कि वो सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे खड़े खड़े रहे। अब इसमें कौन से ऐड कर लूँगी मैं, आधा कप मैंने कॉर्नस लिए थे, और साथ ही जो चिकन जो किया था पीसेस बना के डाल दिया था ये भी साथ में डाल देना है। आधी चम्मच नमक, क्योंकि स्टॉक में हम लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ नमक, कम हुआ तो बाद में और इस्तेमाल कर लेंगे, और आधी चम्मच काली मिर्च की। बंद गोभी बाद में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो एकदम नरम हो जाएगी तो वो घुल जाएगी, इसलिए वो सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे जब सूप रेडी हो चुका होगा। ज़रा इसमें जो चिकन स्टॉक हम लोगों ने निकाली थी, यखनी जो है हम लोगों के पास 1 लीटर है, वो भी हम लोगों ने ये डाल देनी है। इसको ज़रा सा गर्म जब ये हो जाए, बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर दो टेबल स्पून मैंने घोल के रखा हुआ है, अगर वो जब डालेंगे तो चेक कर लेंगे क्वांटिटी, अगर कम हुआ तो और डाल देंगे, अगर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए जी। अब जो यखनी है वो बॉयल हो रही है, अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे जो 2 टेबलस्पून मैंने घोल के रखा हुआ था, उस वो अब आस्ते आस्ते मैं ऐड करूँगी, और साथ थिकनेस भी चेक करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होना चाहिए।
दो टेबलस्पून ही इसमें गैर थिकनेस के लिए, इतना बस इसकी थिकनेस चाहिए। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, पकने के बाद फिर इसमें अंडा, जो एक अंडा फेंट के मैंने रख दिया था वो अंडा इस्तेमाल करना, और साथ बंद गोभी और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करूंगी फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए। अब इसे फिर बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेके जाना है, इसे मैं कवर कर दूंगी। एक मिनट गुजर गया, इसे बॉयल फिर से आ चुके हैं। जब दोबारा से बॉयल आएगा तो इसमें अंडा, एक अंडा जो फेंटा हुआ था वो शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करना है, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। वो ऐड करने के साथ ही इसमें बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। अब ये सूप हम लोगों का रेडी है, इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। और